हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक अकेला यादव। अकेला यादव जी, आप लोग प्रत्याशी देने में बहुत लेट कर रहे हैं, बीजेपी कब का प्रत्याशी दे दिया, लेकिन आप लोग इतना लेट लतीफ ना जेएमएम उम्मीदवार घोषित कर पा रहे, नहीं आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हम लोग जल्दी है घोषणा कर देंगे। जैसे हमारा 3 कैंडिडेट की घोषणा हो चुका है, आप जानते हैं लोहरदगा हो गया है, उसके बाद में आपका हजारीबाग हो गया है, उसके बाद में हम लोग कोडरमा भी घोषणा कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग घोषणा धीरे धीरे कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, अभी समय बहुत है और हम लोगों ने परख करके घोषणा करना चाहते हैं, इसलिए चिंता इसकी बात है। इसकी चिंता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, आपकी चिंता हमको नहीं करना है। आओ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सही समय पर घोषणा करेंगे। बीजेपी कह रही कि आप लोग पैराशूट उम्मीदवार खोज रहे हैं, उतारेंगे, घोषणा कर देंगे। आइए सुने, पैराशूट से तो प्रधानमंत्री पैराशूट में आए हैं, इसको क्या कहिएगा, कौन आता है कौन जाता है, इसकी बात काहे को करते हो भाई। हमारे जो हमारे विचारधारा से जो मिलता है, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो गरीबों की बात करता है, वो हमारे साथ हैं। तो जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ आते हैं, उसको हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। यह कहिए कि आप 14 सीट में जीतेंगे कहता, ये पूछिए ना। जो भी सीट आपने घोषित किया है लोहरदगा को लेके, लगातार जेएमएम कर रही है, आपसे आग्रह करिए उसको विड्रॉ कर ले, वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट दे, चमरा लिंडा को वहाँ से चुनाव उतारे, देखे कैसे नहीं जीतते हैं। अब लोहरदगा से हमारे प्रत्याशी घोषणा हो चुका है, इसके पहले भी कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, वहाँ घोषणा हो गया है। और गठबंधन में तो होता ही रहता है कि हमको सीट दीजिए, उसको दीजिए, और फाइनल हम लोग हो चुका है, कोई कहीं से बदलाव नहीं होगा। जहाँ जहाँ घोषणा हमको जितना मिला है, 7 सीट हमको मिला है, 5 सीट मिला है जेएमएम को, 1 सीट माले को हमने दिया है, 1 सीट राजद को दिया है, 14 हो गया। लेकिन फिर भी आपके सीट पर राजद की फिर नजर है, चतरा को लेके कह रहा है कि चतरा हमको लड़ने दिया जाए। अरे ये सब तो मांग होता ही रहता है, ये कौन बड़ी चीज है, मांग करता है, लेकिन हम लोग चतरा हम लोग लड़ेंगे कांग्रेस का, उसको हम यानी कि पलामू दिए हैं, ये हमारा ये स्ट्रेटजी है। हजारीबाग अकेला जी, क्या लगता है किस बार आप लोगों ने जेपी पटेल को दिया, कितना आप लोग तैयारी किए हैं हजारीबाग को लेकर? अच्छा, दूसरी तरफ मनीष जायसवाल है। मनीष जायसवाल क्या है यार, क्या बात करते हो भाई? मनीष जायसवाल क्या है, तोप हो गया अकेला यादव के सामने? वो नेता है कि व्यापारी है? अकेला यादव वहाँ का नेता है, मनीष जायसवाल नहीं नेता है, वो व्यापारी है। वो तो कह रहे कि जेपी पटेल अफसर ढूंढ के गए हैं, उनको लोकसभा नहीं मिला तो आप लोग उन्होंने ले लिए हैं भाई। वो कहे मत, कहिए हमारे पांच लोग विधानसभा है, अब 5 में है, 2-3 हम है, तो जीतेगा कौन ज्यादा? विधानसभा और लोकसभा तो अलग होता है, मोदी वो लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो एक आदमी है उसके पास है यार मोदी, हमारे विधानसभा में मोदी जी गए थे पता है ना, हमारे विधानसभा में गए थे, अब वहां हार के आ गए, अब कहते मोदी मोदी बढ़ते कहते हो। तो क्या लगता है 14 में कितना आप लोग? 14 सीट जीतूंगा, हजारीबाग में 2,00,000 से मनीष जायसवाल को हराऊंगा। चलिए, ये तुम्हारे साथ बरही के विधायक अकेला यादव, इन्होंने कहा है कि 14 लोकसभा सीट में हम लोग 14 जीतने का काम करेंगे, लेकिन देखना होगा, चुनाव भी बाकी है, रिजल्ट अभी बाकी है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा आखिर इंडिया गठबंधन को कितना सीट आती है या एनडीए गठबंधन को, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।